नमस्ते, कैसे हो आप? तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस यमी से दिखने वाली सब्जी यानी कि जिमीकंद की सब्जी यानी कि याम करी की रेसिपी। चलिए देखते हैं हमने इसको कैसे बनाया है। दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये दिखाऊं कि जो आज हम सब्जी बनाएंगे वो देखने में है कैसी। ये है याम, यानी कि जिसको हम सूरन बोलते हैं, जिमीकंद भी बोलते हैं, और ये इस तरीके का होता है, थोड़ा हार्ड होता है। आप देख सकते हैं इस पर मिट्टी बहुत ज़्यादा है, तो इसको मैं वॉश करती हूँ, वॉश करके पील करती हूँ और उसके बाद इसके डाइस करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो लीजिए दोस्तों, याम को मैंने कट कर लिया है और इसको इस तरीके से थोड़ा थिक स्लाइसेस में ही कट कीजिएगा, और हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा खुजली कर देता है हाथों वगैरह में। और अब टाइम है इसको प्रेशर कुक करने का, तो मैं इसको प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने इसको डाला है प्रेशर कुकर में, और यहाँ पर मैंने लिया है लाइम जूस 2 चम्मच के करीब, और 1 चम्मच के करीब मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, और 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी, और अब इसमें पानी डालेंगे। एक ग्लास के करीब पानी है, एक बड़ा ग्लास, और इसको अब जो है क्या बोलते हैं, हम प्रेशर कुक करेंगे ओनली 2 विसल्स आने तक। ये दोस्तों, याम को मैंने 2 विसल्स लगवा ली हैं और उसके बाद इसको स्ट्रेनर में डाल के एक बार वॉश कर लिया है, और मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सॉफ्ट हो गया, ये देखिए अब ये गल चुका है अच्छे से, तो बस ऐसा ही चाहिए था। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं याम करी। चलिए दोस्तों, करी बनाने के लिए मैंने कुछ सामान लिया है। मैंने यहाँ पे 2 बे लीव्स लिए हैं, 1 सिनेमन स्टिक लिया है, 1 हरी इलायची और 2 लौंग लिए हैं, और बाकी तो हम गर्म मसाला डालेंगे। जिंजर गार्लिक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, और अनियन पेस्ट है, यहाँ पर 2 लार्ज साइज़ के अनियन है जिनको कि मैंने मिक्सी में बिल्कुल फाइन पेस्ट कर लिया है, और 3 टमाटोज थे, इसमें मैंने 2 ग्रीन चिलीज डाल के और इनकी एक फाइन प्यूरी सी कर लिया है, थोड़ा सा कोरिएंडर लिया है, और मस्टर्ड ऑयल, और डेली वाले हल्दी मिर्ची मसाले जो कि डेली के खाने में डलते हैं, बस वही। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं याम करी। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी कि यहाँ पर मैंने 4 चम्मच दही भी लिया है, तो करी के लिए हमें दही भी लगेगा। आप चाहें तो टमाटोज ज़्यादा डाल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कढ़ाई रख लिया है, और अब इसमें मैं डाल रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। आप चाहें तो किसी भी ऑयल में बना सकते हैं जो आपको पसंद हो, बट मस्टर्ड ऑयल में ये थोड़ा ज़्यादा अच्छी लगती है। और ऑयल को होने देते हैं अच्छा सा गर्म। ऑयल हो गया है गर्म, और इसमें अब ये जो हमारे याम है इसके पीसेस को हम फ्राई कर लेंगे। तो बस इन पर अच्छा सा कलर आने तक फ्राई करेंगे इनको। और आपको लग रहा होगा कि ऑयल जो है ज़्यादा है, लेकिन ये बहुत ड्राई होता है तो इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। तो एक साइड से फ्राई हो चुके हैं, और अभी इनको मैं दूसरी साइड से भी ऐसे ही हल्का सा कलर आने तक फ्राई कर लेती हूँ, और फिर इनको निकालेंगे। मैंने सारे पीसेस को निकाल लिया कढ़ाई में से, और देखिए कितने क्रिस्पी हो चुके हैं ये। तो चलिए अब सेम कढ़ाई के अंदर जो हमारे खड़े मसाले हैं ये ऐड करेंगे। और इनको रोस्ट करेंगे। और मसाले जो है हमारे रोस्ट होने लगे हैं, और इस टाइम ही हम इसमें जीरा ऐड कर देंगे 1 चम्मच, और जीरे को भी साथ साथ ही भून लेंगे। तो ये सारे मसाले भून चुके हैं और जीरा भी, और अब इस टाइम पर मैं इसमें हींग डाल रही हूँ, और इसके साथ ही ये जो हमारा अनियन का पेस्ट है ये।
अनियन पेस्ट हमारा हल्का पका है अभी, और इस टाइम पर ये जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है ये भी ऐड कर देंगे। तो ये अदरक लहसुन और प्याज का मसाला हमारा बहुत अच्छा सा भून चुका है, और इस टाइम पर हम इसमें ये टमाटर जो हैं ये ऐड कर देंगे। और इनको अच्छे से भूनेंगे जब तक कि मसाले में से तेल छूटकर अलग नहीं हो जाएगा, तब तक इनको पकाएंगे। तो लीजिए दोस्तों, टमाटर हमारे पक चुके हैं और इसमें से ऑयल भी निकल चुका है, और अब इस टाइम पर हम इसमें ऐड करेंगे कुछ सूखे मसाले। तो यहाँ पर इस टाइम पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच रेड चिली, 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम हल्दी, गर्म मसाला 1 छोटा चम्मच के करीब, और 1 चम्मच के करीब ही पिसा हुआ धनिया, और सॉल्ट अभी हम नहीं डालेंगे क्योंकि हमें दही डालना है, और अगर हमने अभी सॉल्ट डाल दिया तो दही फट जाएगी। तो बस इसको करेंगे मिक्स और एक बार अच्छे से पकाएंगे। ये मसाला हमारा अच्छा सा पक चुका है, और अभी इस टाइम पर मैं इसमें ये दही ऐड कर रही हूँ, और दही को भी अच्छे से पका लेंगे। दोस्तों मसाला हमारा बहुत अच्छा सा भुन चुका है, और अब इस टाइम पर ये जो हमारे यम के पीसेस हैं ये हम इसमें ऐड करेंगे, और साथ में ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। तो यहाँ पर मैं 1 कटोरी के करीब पानी ऐड कर रही हूँ, और आप जितना चाहे पानी डाल सकते हैं, यानी कि अगर आप रोटी के साथ खाना चाहते हैं इसको, कुछ लोग इसको राइस के साथ भी खाना पसंद करते हैं, तो आप उसी के हिसाब से इसमें पानी डाल सकते हैं और करी अपने हिसाब से रेडी कर सकते हैं। तो मैं इसमें 1/2 कटोरी के करीब पानी और डाल रही हूँ अभी, और अब टाइम है इसमें सॉल्ट ऐड करने का। तो मैं इसमें 1/4 चम्मच के करीब, यानी कि हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है, आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डालिएगा। और इसको अब 5 मिनट के लिए ढककर कुक करेंगे, और इस टाइम पर मैं इसमें हरा धनिया डाल रही हूँ। और इसको लिड लगाकर 5 मिनट के लिए लो हीट पर ऐसे ही कुक होने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट हो गए दोस्तों, और हम सब्जी को चेक करते हैं। तो देखिए सब्जी कितनी अच्छी लग रही है देखने से, ऑयल भी रिलीज हो चुका है। तो चलिए सब्जी को करते हैं सर्व। तो लीजिए दोस्तों, सब्जी बन भी गई और सब्जी को हमने सर्व भी कर लिया, और इसको मैंने गार्निश किया है थोड़े से धनिया पत्ती से, और जिंजर जूलियन से, और 1 ग्रीन चिली से। इस टाइम पर आप चाहें तो ऊपर से इसमें लेमन जूस ऐड कर सकते हैं, या चाहें तो थोड़ी सी फैटी हुई दही, आप चाहें तो इसको रोटी के साथ खा सकते हैं, राइस के साथ खा सकते हैं, जैसे आपका मन करे ऐसे खा सकते हैं। तो अगर आपको मेरा यम करी का जिमीकंद की सब्जी का वीडियो अच्छा लगे, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।